स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है संदीप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर और बैटरी के कुछ मेंटेन टिप्स के बारे में। कैसे आप अपने इन्वर्टर और बैटरी को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा बैटरी और इन्वर्टर जल्दी खराब नहीं होगा। लोग दोस्तों इन्वर्टर और बैटरी तो खरीद लेते हैं, लेकिन कैसे उसको मेंटेन करके रखना है ये नहीं जानते। होता यह है कि कुछ दिन चलता है बैटरी, उसके बाद बैकअप नहीं देने लगता है इन्वर्टर, कुछ दिन चलता है हीट होने लगता है, खराब हो जाता है, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो वैसे कौन कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने इन्वर्टर और बैटरी को मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा बैटरी का बैकअप अच्छा मिलेगा, बैटरी चलेगी भी बहुत अच्छी। तो ये सब सारा कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आप सब से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नया आए तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस। हम आप लोग के लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है हमारे पास अमेज़न कंपनी का 150 एच का ट्यूबलर इन्वर्टर बैटरी। इसको हमने कुछ दिन पहले अपने घर के लिए खरीदा। इसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन में दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा लिंक, इस वीडियो का लिंक। इस वीडियो के बाद ये इन्वर्टर बैटरी वाला वीडियो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। कितने देर का ये बैटरी बैकअप देता है, कितना रुपये में हमने इसको खरीदा, सारा कुछ बताए इस वीडियो में। अब बात करते हैं इस बैटरी के कुछ मेंटेन टिप्स के बारे में, कैसे आप इस बैटरी को मेंटेन करके रख सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, इस बैटरी को जब भी आप खरीदते हैं तो इस बैटरी के ऊपर जो टर्मिनल लगा हुआ रहता है वाटर लेवल इंडिकेटर, उसको दोस्तों इस पर अटैच करके रखें। उससे पता ये चलेगा कि कब इसमें वाटर डालना है, कब इसमें एसिड डालना है। लोग करते हैं क्या है, बैटरी एक बार खरीद लेते हैं और उनको कोई पता नहीं बैटरी में वाटर भी चाहिए या नहीं चाहिए, बैटरी चल रहा है और चल रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, अब कुछ दिन चलेगा अगर आप उसको मेंटेन के रूप में वाटर नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिक दोस्तों ब्लास्ट भी हो सकता है, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो सकता है, बैटरी बैकअप भी नहीं देगा, इस टाइप के दोस्तों प्रॉब्लम हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, बैटरी के ऊपर कुछ भी सामान ना रखें। ऐसा कि बैटरी हम रख दिए उसके ऊपर कुछ भी रख दे रहे हैं, ऐसा ना करें दोस्तों। बैटरी को बिल्कुल ठंडी सूखे जगह में रखें, बैटरी के अगल बगल भी कुछ ना रखें। तीसरी बात दोस्तों, बैटरी को कोई चीज़ के ऊपर रखें। ये देखिए हमने इस बैटरी को दोस्तों डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखा, इस बैटरी के पहले नीचे एक कार्टून रखें, इसको ऊपर रखें। अगर आपके घर में लकड़ी वगैरह या कोई चीज़ है तो उसके ऊपर बैटरी को रखें। इससे क्या होगा दोस्तों, बैटरी ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत भी डिस्चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, बैटरी एक बार इन्वर्टर के द्वारा डिस्चार्ज हो जाने पर डायरेक्ट आप डीसी बल्ब ना जलाएं बैटरी से। इससे क्या होगा, बैटरी का ग्रेविटी गिर सकता है। बैटरी का एक बार अगर ग्रेविटी गिर गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा आपका बैटरी के ऊपर। इसलिए जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, इन्वर्टर जब आपके डिस्चार्ज का नोटिफिकेशन लाइट चला दे तो बैटरी दोस्तों बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार स्विच ऑन करके हम चला रहे हैं, इससे क्या बैटरी का ग्रेविटी गिर जाता है। अब बात करते हैं इन्वर्टर के कुछ मेंटेन टिप्स के बारे में, कि इन्वर्टर को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, इससे इन्वर्टर हीट ना हो, इन्वर्टर जल्दी खराब ना हो। तो इन्वर्टर का दोस्तों, जब भी आप टर्मिनल अटैच करते हैं तो उसको अच्छे ढंग से अटैच कीजिए बैटरी के साथ, एकदम बराबर तरीके से कनेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लूज रख दें, इससे क्या होगा बीच बीच में स्पार्क करेगा, बैटरी भी चार्ज नहीं होगा पूरा कंप्लीट और डिस्चार्ज भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट। साथ ही इन्वर्टर में दोस्तों करंट थोड़ा बहुत कभी कभी प्रेस करेगा नहीं करेगा, इस टाइप से दोस्तों दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बैटरी में हो सकता है। जरूरत के अनुसार जितना भी एक आपने इन्वर्टर खरीदा उसी अनुसार दोस्तों लॉड इस पर चलाएं। ऐसा नहीं कि 500 वी का इन्वर्टर है, हम इस पर लॉड चला रहे हैं 700 वाट का, ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। होता यह है कि दो तीन बार ओवरलोड का लाइट जलता है और ऑटोमेटिक दोस्तों इन्वर्टर में कहीं प्रॉब्लम आ जाता है बीच में। इसके अलावा दोस्तों, इन्वर्टर को बिल्कुल साफ सुथरे जगह में रखें, अगल बगल से थोड़ा बहुत दूरी बना के रखें। जैसे देखिए हमने इधर भी थोड़ा स्पेस छोड़ दिया है, इधर भी छोड़ दिया है, इधर भी थोड़ा छोड़ दिया है, अगल बगल दूरी बना के रखेंगे क्या तो इसका फैन जब चलेगा दोस्तों तो अच्छी तरीके से इन्वर्टर को ठंडा कर पाएगा। इससे क्या होगा, इन्वर्टर जल्दी खराब नहीं होगा ना ही हीट होगा। लोग कर देते हैं इन्वर्टर को सीधे ढंग से नहीं रखते हैं, इन्वर्टर को पलट करके रख देते हैं, टेढ़ा करके रख देते हैं, खड़ा करके रख देते हैं, इस टाइप रखने पर इन्वर्टर में दोस्तों बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये थे दोस्तों इन्वर्टर के कुछ मेंटेन टिप्स के बारे में। इस टाइप से अगर आप रखते हैं तो उम्मीद है प्रॉब्लम ना होगा, इन्वर्टर और बैटरी में प्रॉब्लम ना होगा, बहुत ही अच्छा आपका बैटरी भी चलेगा, बैकअप भी बहुत ही अच्छा देगा। इन्वर्टर का फैन जो है बीच बीच में चेक करते रहें कि क्या इसका फैन जो है प्रॉपर चल रहा है या नहीं या रुका हुआ है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ कारण की वजह से फैन जो है बंद हो जाता है और लोग इन्वर्टर को यूज करते रहते हैं, इससे क्या इन्वर्टर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, बैटरी जब आप इन्वर्टर और बैटरी को कनेक्ट करके रखते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जंग लग जाता है। अभी नया बैटरी इसलिए यहाँ पे जंग नहीं लगा हुआ है,
यहाँ पे बहुत सारा कार्बन जम जाता है, उससे क्या बैटरी धीरे धीरे दोस्तों खराब होने लगता है, इन्वर्टर भी खराब होने लगता है। तो इसका भी दोस्तों साफ सफाई करते रहें, इसका भी ध्यान रखें। ये सब दोस्तों छोटे छोटे बातों को आप ध्यान में रख कर यदि इन्वर्टर और बैटरी को यूज करते हैं तो आशा है कि बैटरी आपको बहुत ही अच्छा लाइफ देगा, साथ ही बैकअप भी बहुत ही अच्छा मिलेगा बैटरी से। और दोस्तों जब भी आप इन्वर्टर और बैटरी को अगर एक साथ खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सैम कंपनी का इन्वर्टर भी खरीदें और सैम कंपनी का बैटरी भी खरीदें। और दोस्तों लोकल मार्केट से इन्वर्टर बिल्कुल ना खरीदिए, कोई पॉपुलर कंपनी का ही इन्वर्टर खरीदिए। उन लोग क्या अच्छे तरीके से इन्वर्टर को डिजाइन करते रहते हैं, डिजाइन किए रहते हैं। लोकल मार्केट से आप इन्वर्टर खरीदते हैं तो आपका बैटरी का तो लाइफ कम कर देगा, साथ ही बैटरी कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाता है दोस्तों लोकल मार्केट वाला इन्वर्टर कनेक्ट करने पर। तो ऐसी गलतियां दोस्तों बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आप लोग इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहते हैं, जल्दी मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।